नजरिए का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर खुश रहना है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए, उन्हीं को दिक्कत होती है, उन्हीं को तकलीफ होती है जो लोग पैसे को प्राथमिकता नहीं देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस धरती पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है पैसा। अगर हमें अपनी कोई भी जरूरत पूरी करनी है तो हमें चाहिए पैसा। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी बुक जिसने मेरी लाइफ बदल दी और ना जाने कितने लोगों की लाइफ बदल दी। हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। दोस्तों, कमाल की बुक है ये। इसमें वो चीजें सिखाई गई हैं जो कि घर में किसी को मिलना ही मुश्किल है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिता की बात की है, एक रिच डैड एक पुअर डैड। मतलब पिता तो उनके एक ही थे जिनको उन्होंने पुअर डैड की तुलना की है जिनसे, लेकिन वही दूसरी तरफ उनके एक दोस्त थे। उनके दोस्त के जो पिता थे उनको वो रिच डैड कहते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो उनके दोस्त के पिता थे उन्होंने उनके अंदर बचपन में ही वो समझ डेवलप कर दी कि कैसे वो बचपन से ही छोटे छोटे बिजनेस करके वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। उनको वो छोटे छोटे आइडियाज मिलने लगे। उनके अमीर पिता यानी कि उनके दोस्त के पिता, उसको वो अमीर पिता मानते थे। उनका ये कहना था कि जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसे अफोर्ड करने के बारे में सोचो कि ये चीज मुझे लाइफ में कैसे हासिल होगी। जब आप उसे अफोर्ड करने के बारे में सोचोगे तो आप और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। लेकिन यहीं पे उनके अपने पिता, उनकी ये सोच थी कि जो चीज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसके बारे में तुम सोचो ही मत। दोस्तों, यहीं पे हम मात खा जाते हैं। यही होती है गरीब सोच, जो कि अपने बच्चों को गरीबों की तरीके से ही सोचना सिखाती है। और दूसरी तरफ होती है अमीर सोच, जो कि अपने बच्चों को बचपन से ही अमीरों की तरह सोचना सिखाती है। अब देखिए जरा, सोच में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो बच्चा जो बचपन से सीख रहा है, एक तरफ वो बच्चा है जो बचपन से सीख रहा है कि कैसे हमें अपने पैर समेट लेने हैं, अपनी चादर नहीं फैलानी है, हमें उतना ही पांव पसारना है जितनी हमारी सोच है, हमें अपनी जरूरतों को समेट लेना है। वो क्या करता है, एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी उसको ज्यादा से ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, शुरुआत जरूर छोटे से होती है, लेकिन धीरे 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 वो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाता है। दोस्तों, कल क्या होगा हमने नहीं देखा है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये फर्क अभी से सिखा सकते हैं। क्योंकि आज का दौर कैसा है, आज का दौर ऐसा है, अभी कोरोना की मार सबने झेली है। आज के दौर में जैसे कई तरीके से खर्चे होते हैं, उसी तरह कई तरीके से इनकम आनी बहुत जरूरी है। तो जब हम बचपन से ही बच्चे को सिखाएंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, तो वो छोटे से ही बड़ा काम करना सीखेगा और उसे पैसे की अहमियत भी पता रहेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और खुद भी मैंने ये तरीका आजमाया हुआ है, हम जितना कमाते हैं दोस्तों उसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने कम कमाए हुए पैसे को ही सही तरीके से मैनेज करें, उसे इन्वेस्ट करें, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज का जो ये वीडियो है, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने बच्चों में अच्छी सोच, ऊंची सोच और एक अमीर सोच डेवलप करनी होगी। हम उन्हें बात बात पे टोकते हैं कि बेटा आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आप जो चाहे वो कर सकते हो। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आप जो चाहे वो कर सकते हो। उड़ने दीजिए उसे, उसे खुले आसमान में उड़ने दीजिए, मत बांधिए उसकी सीमाओं को। जब हम उसकी सीमाओं को बांध देते हैं तो वो बच्चा खुद में हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है।
उसे लगता है कि मैं आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, मैं सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, तो अब मैं लाइफ में क्या करूंगा। दोस्तों, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए, इतने बड़े एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, पास आउट करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, और वो हिम्मत कौन देने वाला है? वो हिम्मत देते हैं माता पिता, क्योंकि ऐसा माना गया है कि हम माता पिता के हाथ में अपने बच्चों की परवरिश करने का जो सौभाग्य हमें मिलता है, मतलब हम उनका भाग्य लिख सकते हैं, 50% भाग्य पेरेंट्स के हाथ में होता है कि वो कैसा अपने बच्चे को बना सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हम अपने फ्री टाइम को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। हम यही सोच न सिर्फ बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, बल्कि जितने भी लोग अगर फ्री हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत सारा सिस्टम है पैसा कमाने का, ऑफलाइन बहुत सारा सिस्टम है, अपने हिसाब से हम अपने खाली टाइम का यूज करके न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार में योगदान दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अब मैं यहीं पे अपने वीडियो को ब्रेक लगाती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे अपना प्यार बनाए रहिए, और साथ ही साथ मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे भी डेली अपडेट डालती रहती हूँ। दोस्तों, कमेंट के साथ साथ आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख दिया करिए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। इसी तरीके से आपका जो भी टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते होंगे, मैं उस टॉपिक को जरूर कवर करूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।